हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़िंदगी एक सफ़र बाय आयुषी। सो आज है संडे और मैंने बना रखे हैं अभी मॉर्निंग में छोले। और आज मैं आप लोग को मिलाने वाली हूँ अपने स्पेशल गेस्ट से, जिनके लिए मैंने छोले बनाए हैं और हम लोग साथ में लंच करेंगे। और मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पाया छोले जो मैंने बनाए हैं उनका, आई थिंक थोड़े कम बन गए हैं। साथ में हम और भी स्नैक्स लेके चलेंगे, चाय समोसा, क्योंकि मौसम की डिमांड है। और मिलाते हैं आपको अपने स्पेशल गेस्ट से, सो स्टे ट्यून। सो फ्रेंड्स, प्लान में थोड़ा चेंज है। अभी पंडित जी भी आ रखे हैं हमारे साथ, तो छोले काफ़ी कम थे, हमने सोचा क्यों ना पैटीज लेके जाएं और समोसे लेके जाएं और चाय, और साथ में अपने गेस्ट के साथ सेलिब्रेट करें आज का डे। मैं आ रखी हूँ अभी मियांवाला में लकी स्वीट शॉप में, और पीछे भैया समोसे तल रहे हैं, और हम लोग यहाँ से सामान पैक करा के चलते हैं अपने प्लॉट में। आज हम पंडित जी को दिखाने आए हैं अपना घर, ये देखिए। और जो मेरे स्पेशल गेस्ट थे वो लोग हैं हमारे साथ, ये मेरे भैया लोग। हाय बोलो। अच्छा जी, हाय करो, हाथ दिखाओ, हाथ ऐसे। हाँ ऐसे 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 करो, नीचे 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 कैमरे में दिखाओ। हाँ, ये मेरे भैया लोग हैं जो कि हमारा घर बना रहे हैं। और कितने साल के हो भैया? 62 हो गए। 62 साल की उम्र में देखो लगे हुए हैं इतना करने में। और भैया कैसे चल रहा है घर का काम? ठीक चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, सब में ये लोग लगे रहते हैं भैया लोग सुबह से। और ये भैया तो प्योर वेजिटेरियन है, नॉन वेज भी नहीं खाते ना? नहीं, नहीं खाते बिल्कुल भी, मांस मच्छी सबसे दूर रहते हैं। और आज हमने सोचा क्यों ना, रविवार भी था, जियाल जी भी घर पे थे, क्यों ना समोसे और पैटीज खाई जाए भैया लोगों के साथ। तो अभी हम बनाएंगे गर्मा गर्म चाय और आनंद लेंगे समोसा का हमारे गेस्ट के साथ। आज तीन और हैं, उनसे भी मिलाते हैं आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। पंडित जी को दिखा रहे हैं हम अपना घर। हमारे पंडित जी ओवरव्यू चेक कर रहे हैं घर का। दोस्तों आप भी बताना मुझे, हाँ कैसा लग रहा है बाहर का लोग घर का। और अभी हमारे साथ भैया लोग हैं बाकी और भी। फ्रेंड्स थोड़ा एक प्रॉब्लम है एक्चुअली क्या है कि जो मैं सोच रही थी वो जातम सही रहे, बट हो ये रहा है कि हम लोगों ने टाई अप नहीं करा भैया लोग के साथ। सो यहाँ मैंने पता करा तो चार भैया लोग थे, जिसमें कि दो जा रखे हैं अपने रूम में लंच करने के लिए, सो वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। सो अभी का प्लान, और लंच भी प्रिपेयर हो चुका है, भैया लोगों ने अपने लिए लंच बना दिया है, और दिन के 2:30 बज रहे हैं अभी। सो भैया लोग कह रहे हैं ऐसा करिए आप लोग हमको दे दीजिए पैटीज और समोसा, और अभी तो नहीं बट शाम को हम चाय में, चाय के साथ बना के खा लेंगे। तो प्लान थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट ठीक है, एटलीस्ट भैया, मेरा मेन मतलब था भैया लोग के साथ शेयर करना। सो भैया आ चुके हैं और खाएंगे भैया लोग शाम को, है ना? शाम को जब खाओगे तो मुझे याद करके खाना, ठीक है? ठीक है ना भैया। सो बाकी भैया हैं और एक और भैया हैं पीछे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पर बाकी तो भैया रूम पे जा रखे हैं ना। हाँ। हमें पता नहीं था, अगर पहले फ़ोन करके आती ना तो हाँ, सही रहता, तो हम रुक लेते, तो लंच नहीं बनाते, है ना? थोड़ा वो प्लान, कोई बात नहीं, अगली बार के लिए अच्छे से करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, पंडित जी से पास हो गया है मकान, पंडित जी ने बोल दिया है बहुत ही अच्छा है, और ये मकान टचवुड लकी रहेगा। सो यस, आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कैसा लग रहा है आपको देख के साइड व्यू। और ये मेन बात, ये मेन रोड से भी दिख जाता है, अगर हम हाईवे है पीछे, हाईवे से देखें तो क्लियरली विजिबल होता है, जब तक कोई बगल में जो हमारे भैया लोग हैं वो ना बनाए अपना तब तक। सो यस, ये है अभी सबसे टॉप वाले लेंटर पड़ा है, उसके बाद अब उसको बीच वाला जो याला लेंटर आप देख रहे हैं, ये वाली घूमटी, इसको ओपन कर दिया, अब धीरे धीरे चिनाई का काम स्टार्ट होगा। अंदर का व्यू तो आप काफ़ी बार देख चुके हैं, और जो स्पेस छोड़ा है बाहर वो विंडो के लिए छोड़ा है, यहाँ पर भी बड़ी सी खिड़की आएगी इधर भी, और इधर भी विंडो आएगी,
रेस्ट जो ऊपर वाला, इतने ईंट के ऊपर वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ऊपर, वहाँ ग्लेचिंग आएगी। आप लोग भी हरा वाला आएंगे तो हरा वाला पेट्रोल पंप के सामने ही घर है, रोड से दिखता है, सो प्लीज़ आइएगा और अपने व्यूज़ भी हमें दीजिएगा कैसा बन रहा है, क्या क्या करना कराना और चाहिए। और यस, जब घर का इनॉग्रेशन होगा तब तो सबको बुलाएंगे ही, पूरी यूट्यूब फैमिली को। टिल देन यस, स्टे ट्यून्ड। थोड़ा सा आपको अंदर जाके दिखाती हूँ स्लोली स्लोली। ये पूरा स्पे ड्राइंग रूम, किचन। यहाँ भैया लोग कर रहे हैं अपना लंच, क्यों भैया? एंड ये है पूरा दिस इज द ड्राइंग रूम। ये हमारा पूजा का रूम है, दिस इज द किचन, दिस इज द मास्टर बेडरूम। थोड़ा छत से आपको व्यू दिखाती हूँ। फर्स्ट फ्लोर का एक रूम ये है, ये ओपन रूम रहेगा, एंड वन रूम इज दिस विद द टेरेस, ओपन टेरेस। सो यस, विद द व्यू, इन व्यू एंजॉय करेंगे पीछे का, राइट। एंड यहाँ से उजाला काफ़ी रहेगा व्यू के लिए, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर जो नीचे का फ्लोर होता है वो बहुत ही डार्क होता है, सो इसलिए यहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर दे रखा है। आई होप जो ग्लेचिंग हम लगा रहे हैं उससे उजाला तो रहेगा यहाँ पर। यस, वो हाईवे है इतने पास, एंड अब हम चलते हैं ऊपर का व्यू देखने। वो फ्रेंड्स हाईवे है, ये पीछे जंगल आप देख रहे हैं वो लक्ष्मण सिद्ध का मंदिर है ठीक इसके पीछे। और अभी मैं खड़ी हूँ छत में, ये वाला लेंटर डल चुका है, सो फ्रेंड्स होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और अभी तो बन रहा है बट थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन समझ में आ रहा है अब, और लेंटर सारे पड़ चुके हैं। अब 3-4 महीने लगेंगे अंदर के काम में जिसमें बहुत टाइम लगता है, और रेनी सीजन भी स्टार्ट हो चुका था। बट सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जैसे हम लोगों ने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने वर्क भी करा। मार्च में स्टार्ट हो गया था सारा काम, सो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई हमने सोचा कि बाहर का सारा लेंटर पढ़ के कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाकी के 4-5 महीने अंदर के काम पर फोकस करेंगे जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। सो अब बारिश का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है और अब अंदर का काम पर फोकस करेंगे। सो यस, होपफुली अभी चीज़ें प्लेस में हैं, सब टाइम पे हो रहा है, अकॉर्डिंगली हो रहा है, एंड मौसम भी साथ दे रहा है। बस जो लास्ट वाला लेंटर था वो 1 वीक डिले हो गया क्योंकि फिर बहुत बारिश हो रही थी और रुक भी नहीं रही थी बारिश। सो आजकल में भी वेदर प्रिडिक्शन तो यही थी कि बारिश होगी, बट अभी तो मौसम बना हुआ है बट अभी नहीं हुई है, और हमारा लेंटर भी पड़ चुका है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यस, अभी हम चलते हैं वापस घर की ओर। यस फ्रेंड्स, और अभी बादल आ गए हैं, बारिश वाला मौसम बन चुका है, स्विकली घर जाते हैं, कपड़े धो रखे हैं उन्हें भी नीचे लाते हैं छत से। और अगर आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।